तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका क्रेजी इन्वेंशन यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं एक एयर कूलर। गाइज, ये कूलर मैंने बहुत ही कम खर्चे में बनाया है। तो गाइज, इस वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस चैनल पर मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। सो गाइज, आपको पहले ऐसा ब्लू डब्बा वाला कैन लेना है। गाइज, ये कैन आपको आसानी से कहीं पे मिल जाएगा, या आप कबाड़े से भी ला सकते हो, या आप इसकी जगह दूसरा कैन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो वाटरप्रूफ होना चाहिए और प्लास्टिक का होना चाहिए। देखिए गाइस, मैंने इसमें पहले से ही सब काट के रख दिया है। ये जो आप स्क्वायर में तीन देख रहे हो, तीन स्क्वायर, यहाँ पर मैं घास लगाने वाला हूँ, और ये जो आप गोल देख रहे हो वो मैंने अपने फैन के हिसाब से कट किया है। जहाँ मैं जिस तरीके का फैन लगाने वाला, उसी तरीके से आपको भी कट करना है। तो गाइज, ये मुझे बहुत लग रहा था, इसलिए मैं इसको सैंडपेपर से अच्छी तरीके से घिस देता हूँ। पहले आपको 100 नंबर का सैंडपेपर लेके अच्छी तरीके से इसको घिस देना है। सो गाइज, मैंने इसको अच्छी तरीके से घिस दिया है। अब इस पर घास लगाने की बारी, तो पहले इस पर जाली लगा देते हैं। तो गाइज, ये जो ब्लू कलर की जाली आप देख रहे हैं, मैंने इसको मार्केट से परचेस किया है। गाइज, पहले तो मुझे सिर्फ प्लास्टिक की लगी, लेकिन ये प्लास्टिक के अंदर लोहा है, सिर्फ लोहे के ऊपर ही प्लास्टिक है, बाकी ये पूरी लोहे की है। गाइज, आपको इस तरीके की प्लास्टिक का मतलब जाली का पहले बॉक्स बना देना है, ताकि अंदर घास अच्छी तरह से रह सके। तो गाइस, मैंने सभी तीन घास को मतलब तीनों की तीन जालियाँ को अच्छी तरीके से बना दिया है, और मैं गाइस इसको स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से फिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये मैं मार्केट से घास लेकर आया हूँ। गाइस, आपको यही वाला घास यूज़ करना है। अगर आप इसकी जगह दूसरा वाला घास यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ठंडक नहीं दे पाएगा। तो गाइस, ये पूरा का पूरा घास मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया है। गाइस, ये ऐसा तो महंगा आता है, लेकिन ये घास बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा, पूरा गीला हो जाता है, इसलिए हमें अच्छी तरीके से ठंडक देता है। तो गाइस, आपको मैंने ये स्विच बोर्ड बनाया है, देखिए, पीवीसी शीट को गर्म करके दो स्विच आ सके उतना मैंने किया है, और ये जो आप तीन होल देख रहे हो वहाँ मैं लाइट लगाने वाला हूँ, ताकि रात के टाइम में हम
ज़रा भी पानी के छींटे उड़े तो हमारी वायरिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, और जब भी इसमें हम हाथ डालें तो इसकी वायरिंग हमें टच ना हो वरना आपको शॉर्ट लग सकता है। इसलिए गाइज मैंने इसमें ये फिट कर दिया है। देखिए गाइज आपको ऐसे भी अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ करके पूरा वायरिंग को ढक देना है। और गाइज इसकी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तब इसकी टेस्टिंग के बारे लेते हैं गाइज। तो देखिए गाइज इसमें बीच में पावर अभी आएगा। देखिए गाइज आ गया ना पावर, गाइज इसमें बीच में पावर आ गया है। अभी इसका वाटर पम्प चालू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका पम्प कैसे वर्क कर रहा है। देखिए गाइज इसमें पानी आने लगा है, देख सकते हैं आप। और ये गैस बिकाना भी शुरू कर दिया है, आपको पीछे से भी दिखाता हूँ मैं। देखिए गाइज आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, इसमें मैं नीचे छेद किए थे पाइप में, वहाँ से पानी आ रहा है गाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से पानी आ रहा है, और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बन रहा है। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो पानी बाहर उड़ सकता है, तो आपको कम होल भी नहीं रखने और ज़्यादा भी नहीं रखने, आपको मीडियम रखने हैं आपके अपने पानी के प्रेशर से हिसाब से। अब गाइस मैं आपको इसकी हवा टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइस मैं इसने इसका फैन चालू कर दिया है और ये इतने भारी कपड़े के ऊपर उड़ा दे रहा है गाइस, बहुत ही अच्छी पवन देता है। गाइस आपने एग्जॉस्ट फैन को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी एग्जॉस्ट फैन की हवा कितनी तेज़ आती है। तो गाइस अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो इसका वायर मैं इसमें डालता हूँ। देखिए गाइस बीच में लाइट आ चुकी है, अब इसकी मोटर चालू करते हैं। देखिए गाइस इसकी फ़ैन की बारी। गैस मैंने इसमें बाद में रेगुलेटर लगा दिया था ताकि मैं इसकी फास्ट और स्लो कर सकूं। देखिए गैस अभी इसको दो पर रखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। अब इसको फास्ट करते हैं। अभी जीरो पर, अभी एक ऊपर, दो ऊपर, तीन ऊपर और एक चार ऊपर।